हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो गांव से रिलेटेड होने वाली है। गांव की आत्मा जो कि भटकती है उससे रिलेटेड होने वाली है, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन फिर भी उसकी पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो में, वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। एक उज्जवल नाम का लड़का होता है जो गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा होता है। अच्छा खासा उसका जीवन बढ़िया चल रहा होता है, एकदम मस्त, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं, ठीक ठाक घर से होता है वो, सब चीजें मिल रही होती हैं उसे। एक दिन की बात होती है जब उज्जवल देखता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो उसके मम्मी पापा तो घर कमरे के बाहर अपनी खाट बिछा के वहीं पे सो जाते हैं, लेकिन उज्जवल को कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही होती है। तो उज्जवल सोचता है कि आज वो छत पे जाके सोएगा। इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण उज्जवल ने जो सोचा था कि भाई मैं छत पे ही सोऊंगा, तो वही चीज वो करता है। खाना वाना खा के वो रात को अपना बिस्तर लेके और छत पे चला जाता है। फिर छत पे जाके आराम से वहां लेटता है, पहले थोड़ी देर तक फोन चलाता है। फोन चलाने के बाद वो सोने की कोशिश करता है लेकिन नींद नहीं आती उसे, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ही ज्यादा बिकट हो रही होती है, इसलिए नींद नहीं आती उसे। फिर भी वो कोशिश करता है कि सो जाए, तो वो सो जाता है। सोने के बाद ऐसा होता है 1-1.5 बजे अचानक से उसे रोने की आवाज आती है, तो हल्की सी उसकी आंख खुलती है, वो सोचता है शायद कोई बच्चा रो रहा है, इसलिए वो उस चीज पे इतना ध्यान ना देके सो जाता है। फिर से उसे रोने की आवाज आती है। इस बार वो अपनी आंखें जो है थोड़ा ठीक से मसल के कान लगा के सही से सुन रहा होता है, तो उसे आती है आवाज कि हाँ भाई ये जो है किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। अब रात हो रही थी भाई 1:30 बजे, गांव में तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा रहता है। अब वो उठ के देखने के लिए क्या करता है, अपना फोन ढूंढ रहा होता है कि फोन कहाँ है। काफी देर तक फोन ढूंढता है, उसको फोन मिलता नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके खाट के नीचे उसका हाथ जाता है ना जब, तो खाट के नीचे उसका फोन वहीं पे होता है, तो खाट के नीचे ही उसे उसका फोन मिल जाता है। उसके बाद अपनी खटिया पे से उतर कर वो जब फ्लैश लाइट जला के इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो देखता है कि सामने जो पेड़ है, अब एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको देता हूँ कि उसका जो घर था ना वो गांव से थोड़ा सा बाहर निकल के था। उसने जो खेती वाली उसकी जमीन थी, उसने अपनी खेती वाली जमीन पे ही घर बनाया हुआ, तो चारों तरफ पेड़ पौधे ही थे, जंगल जैसा था। तो देखता है वो घर के सामने एक पेड़ खड़ा हुआ होता था बैक साइड में, उस पेड़ के ऊपर एक व्हाइट साड़ी में, मतलब व्हाइट से कपड़े पहने हुए थे उस औरत ने, वो पेड़ की डाली पे बैठे हुए रो रही है वो। अब उसे देख के उसकी फटके होती है चार, समझ में नहीं आता उसे क्या होता, उसके हाथ कांपने लगते हैं एकदम, पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, समझ में नहीं आता भाई कि करूं तो करूं क्या। उसे देख के इतना डर लगता है उसे। अब वो देखता रहता है, लेकिन उसे देखता रहता है वो ऐसे होती है उसकी मुंडी, जैसे ही वो यूं करके करती है उससे नजरें मिलाती है, उज्जवल की हालत खराब, ऐसा लगता है कि खत्म हो गया भाई, बस मर ही गया वो, तो ऐसे हालात हो जाते हैं उसके। फिर वो भूतनी एक मिनट नहीं लगता उस सेकंड में उस पेड़ की डाली से बैठे हुए जस्ट उसके सामने आके खड़ी हो जाती है वो एकदम। उसे देख के इतनी ज्यादा उज्जवल की हालत खराब होती है, उज्जवल भागने की कोशिश करता है, मुंह से चिल्लाने की कोशिश करता है, ना तो वो भाग पाता है ना वो मुंह से चिल्ला पाता है कि किसी को हेल्प के लिए बुला ले, अपनी मम्मी पापा को या कुछ, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वो क्या करता है, कुछ नहीं बोलता है। वो लेडी उससे बोलना शुरू करती है जो भूतनी होती है, वो उससे कहती है उज्जवल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जब उज्जवल बोलने की कोशिश करता है तो फिर उज्जवल बोल पाता है। उज्जवल डरता डरता कहता है मदद, और मुझसे क्या मदद चाहिए ऐसी। तो वो लेडी कहती है मेरी आत्मा भटक रही है, तो उज्जवल मुझे अपनी आत्मा मुक्त करानी है, उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो उज्जवल कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब उज्जवल ऐसा बोलता है तो वो थोड़ा सा खुश होती है, वो कहती है कि एक बार की बात है उज्जवल, मैं तुम्हारे घर के पास से निकल रही थी, काफी टाइम पहले की बात है जब तुम्हारा घर भी यहाँ नहीं था, मैं यहाँ से अपने बेटे के साथ निकल रही थी, तो कुछ गुंडों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया था और उन्होंने मेरे कंगन वगैरह छीन के मुझे यहीं पे जान से मार दिया था, और मारने के बाद मेरी जो लाश थी वो ये जो पेड़ है इस पेड़ के अंदर ही गड्ढा करके वहीं अंदर रख दी थी मेरी लाश, तो ना ही मेरी लाश को जमीन नसीब हुई ना ही आग नसीब हुई, इस वजह से मेरी आत्मा यहाँ पे भटक रही है और जितने भी लोग यहाँ से आते जाते हैं उनको मेरी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, उन सब लोगों से मैं मदद मांगती हूँ लेकिन कोई भी मुझे देख नहीं पाता, सबको सिर्फ मेरी आवाज ही सुनाई जाती है, तुम पहले हो जो मुझे देख पाए हो, तो तुमसे मैं मदद मांग रही हूँ, तुम प्लीज मेरी मदद करो।
तो उज्जवल कहता है ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उज्जवल उस वो उससे उज्जवल से बताती है कि तुम्हें किसी भी पंडित को बुला के लेके आना पड़ेगा और इस पेड़ के पास हवन करवाना होगा, और हवन करवाने के बाद जो मेरी लाश इस पेड़ के अंदर है उस लाश को निकाल के या तो जलाना होगा या फिर उसको दफनाना होगा। जब तुम ये कर दोगे तो उसके बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो उज्जवल खुश होकर बोलता है कि आप परेशान मत हो, मैं ये जरूर आपके लिए करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये बात होने के बाद वो अचानक से उज्जवल के सामने से गायब हो जाती है। उज्जवल अपने फोन की टॉर्च जलाता हुआ दोबारा से अपनी खटिया पे लेट जाता है और उज्जवल सो जाता है। सोने के बाद उज्जवल उठता है सुबह 7:30-8 बजे, क्योंकि रात इतनी देर हो जाती है, तो उसकी मम्मी उसे उठाने ऊपर आती है। जब उसकी मम्मी उसे उठाने ऊपर आती है तो उज्जवल अपना बिस्तर वगैरह लेके दोबारा नीचे चला जाता है और अपने मम्मी पापा को पूरी आप बीती ये घटना बताता है। जब उसके मम्मी पापा ये बात सुनते हैं तो उसके मम्मी पापा भी काफी अच्छे थे, वो कहते थे कि ठीक है चलो ये काम हम करवा देते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर फाइनली नेक्स्ट डे वो एक बाबा जी को बुला लेते हैं, पंडित जी को, और वहां पे बढ़िया सा हवन वगैरह करवाते हैं और अंदर से उस लेडी की जो लाश होती है वो निकलवा ली जाती है। और अंदर से जब लाश निकलवा ली जाती है तो उसको तमीज के साथ अच्छे तरीके से, वो हिंदू थी तो हिंदू परंपरा के थ्रू, उनकी लाश को अग्नि दी जाती है ताकि उनकी जो आत्मा है वो भटके ना और वो आराम से जहां से बिलोंग करती हैं वहां पहुंच जाएं। ये सारा सीन होने के बाद जब आग लग जाती है तो उसके बाद रात को वो उज्जवल को फिर से दिखाई देती हैं। उज्जवल से वो धन्यवाद करती हैं, बोलती हैं कि शुक्रिया उज्जवल, तुमने मेरी इतनी हेल्प की और अब मैं अपने लोक में जा रही हूँ जहां मुझे जाना चाहिए। तो ऐसे ही वो बात करते करते एकदम से स्टार बन जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं। ऐसा काम करने के बाद उज्जवल को काफी अच्छा महसूस होता है कि उज्जवल ने किसी की तो हेल्प की, कम से कम कुछ तो अपनी जिंदगी में अच्छा काम किया। उज्जवल खुश हो जाता है और वो अब ऐसे भी आत्मा उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही थी तो उज्जवल उस बात से भी परेशान नहीं था। उज्जवल का ये पहला एक्सपीरियंस था किसी आत्मा के साथ और वो भी अच्छा ही हुआ। तो उज्जवल उस दिन से आत्माओं को बुरा नहीं मानता है, उज्जवल सोचता है कि आत्माएं सारी अच्छी ही होती हैं, बट उज्जवल कभी बुरी आत्मा से अभी तक मिला नहीं है इसलिए उज्जवल को ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद उज्जवल आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, खाता था पीता था, कभी छत पे सो रहा है, कभी रात में सो रहा है, नीचे सो रहा है। यही थी उज्जवल की कहानी, जो कि छोटी सा एक किस्सा था उज्जवल का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।